ठीक है, एक बार जरा जो जो सरकार साहब ने कहा है, जो आप कह रहे हैं, इसको भी जरा एक रियलिटी चेक ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन संदेश खाली से लौटे हैं, इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुंदन, एक अजीब बात हुई यहाँ पर। सरकार साहब कह रहे हैं कि बाहर के लोग जो हिंदी बोलते हैं उनको लाके टीवी पर दिखाया, जरा उनको बताइए, जो आपने बात की क्या वो हिंदी नहीं बोल रही थी और क्या वो संदेश खाली की महिलाएं नहीं थी? देखिए, अगर ऐसा होगा तो फिर आधार कार्ड दिखा के लोगों का इंटरव्यू करना होगा। मैं खुद वहां पे गया था और खुद लोगों से बात की है, लोगों के घरों में जाके बात की है, और संदेश खाली गांव में जाके, मैं मोहल्ले तक की बात बता सकता हूं कि कौन से मोहल्ले में जाके मैंने किन का इंटरव्यू किया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दिया है। पुलिस को कंप्लेंट में उन्होंने अपना नाम, पता, गांव सब कुछ वही बताया है, और पुलिस, सरकार सब कुछ उनकी है। खैर, उसमें नहीं जाना चाहूँगा मैं। संदेश खाली की एक और महिला है, उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, एक बात बताएं कि क्या हुआ था आप लोगों के साथ संदेश खाली में? संदेश खाली वन ब्लॉक भांगीपाड़ा ग्राम एवं हाटगाछी ग्राम पंचायत 2019 से लोकसभा भोटेर ठीक रेजल्टेर एक सप्ताह पर शेख शाहजहानेर नेतृत्वे 2 থেকে 3 হাজার লোক নিয়ে পুরো ভাঙ্গিপাড়া গ্রাম ঘেরাও করে এবং আমার স্বামী প্রদীপ মণ্ডল এবং আমাদের আরও পরিবারের দুজন সুকান্ত মণ্ডল এবং দেবদাস মণ্ডল তিনজন জল করার বাঁধে তরোয়াল ঘোজালি দিয়ে কোপায় এবং পরে গুলি করে। আমার স্বামী প্রদীপ মণ্ডলের শরীরে 8-8টি গুলি করা হয়েছিল এবং চোখের মধ্যেও নির্মমভাবে গুলি করেছিল এবং ওরই পাশে সুকান্ত মণ্ডলকে গুলি এবং মানে কুপিয়েছে, তরোয়াল দিয়ে মাথার টুকরো টুকরো করে কোপানো হয়েছিল, যার মাথার খুলির মধ্যে হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছিল। এত নির্মমভাবে এদেরকে মারা হয়েছে এবং এই রাজ্য সরকার কোন রকম সুবিচার দেয়নি। আজকের 5 বছর পূর্ণ। সঞ্জয় সরকার সাহেব, মুঝে লাগতা হ্যায় কি শুন রহে হোঙ্গে আপ, অর জো মহিলা বতা রহি হ্যায় ক্রূরতা, বর্বরতা, জিস তরহ কি চিজে ওয়াহাঁ পর কি গঈ, उसका भी जिक्र किया उसने, पूरे अपने गांव, पते, पंचायत के साथ। हिंदी बोलने पाया क्या? वो हिंदी बोलने पाया का, पहले समीर जी बोलिए, आप तो हिंदी में पूछे तो हिंदी में उत्तर दिया का। देखिए, वहां का बंगाली को बंगला, शुद्ध बंगला नहीं बोलता, देहाती बंगला बोलना आता है वहां को बंगाली को। और आपने जिस तरह से बात किया, आप इससे प्रूफ कर दिया है कि आप लोग जो खबर दिखा रहे हैं बिल्कुल झूठा खबर दिखा रहे हैं। यही तो बात है ना कि कितने संवेदनहीन हो सकते हैं आप इस मुद्दे पर, ये कहकर आप ये जता रहे हैं संजय सरकार साहब। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि एक महिला की वेदना, उसकी पीड़ा आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि शाहजहां शेख के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई करती है, वो फरार होता है, तो महिलाओं को भरोसा होता है कि अब इस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, अब उन्हें न्याय मिलेगा, वो एक तरह से विद्रोह करती है, बीजेपी उनकी आवाज बनती है, और आज इसलिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को बीजेपी से ही उम्मीद है, प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद है? नहीं, देखिए, ये जरूर है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो भी बंगाल में हुआ वो गलत था, जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, मीडिया को अलाउ करना चाहिए था, ऑपोजिशन लीडर्स को ले जाते, मामला और कॉम्प्लिकेट हुआ, मामला और गहराया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये भी अनफॉर्चुनेट है कि बीजेपी इसको इवेंट मैनेजमेंट बना रही है 2024 के चुनाव का। मणिपुर तो नहीं गए प्राइम मिनिस्टर, वहां तो चुप्पी साधे रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब कमेंट दिया उसके बाद सरकार ने मुंह खोला अपना। यूपी के अंदर 65,000 से ज्यादा केसेस हैं, वहां तो नहीं गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं विवेक जी, चुनाव में अगर कोई दल जिसके लिए जमीन पे लड़ रहा है उसको मुद्दा बना के उठाता है, तो इसमें आप क्या गलत देखते हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या आप लोगों ने अपने चुनावी रैलियों में मुद्दे नहीं उठाए इस तरह के? बिल्कुल मुद्दा उठाना चाहिए। तो इसमें क्या आपको खामी दिखाई दे रही है? इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, और जब वहां पर पहले तो बीजेपी ने इस पूरे इवेंट को कम्युनलाइज करने की कोशिश की, हिंदू बना मुस्लिम, कि जो एग्रेसर है वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो विक्टिम्स हैं वो हिंदू महिलाएं हैं, और इसी मैसेज को लेकर के देश में जाने की कोशिश करी। अब ये वहां पे उसका इवेंट। लेकिन क्या आप नहीं मानेंगे कि इस मुद्दे को उठाने के बाद ही संदेश खाली को लेकर इतनी चर्चा हुई और उस व्यक्ति पर कार्रवाई भी करने को मजबूर हुई सरकार? 55 दिन बाद गिरफ्तारी हुई, 55 डेज। मुद्दे को तो अधीरंजन चौधरी ने भी उठाया था, धरने पे बैठे वृंदावन ने भी उठाया था, ऑपोजिशन की सब पार्टीज ने उठाया, मीडिया ने उठाया, सब गए लड़े झगड़े, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसको उठा करके
वहां पे इवेंटबाजी करके कलर दे करके आप इसे इवेंटबाजी करा दे रहे हैं। गौतम लाड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाड़ी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? 55 दिन बाद गिरफ्तारी होती है कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार के बाद, और अब जब सीबीआई को केस सौंपने की बात होती है तो भी उसके खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इस पूरे मामले में क्या टीएमसी बुरी तरह से घिर गई है, जिसका खमियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, बात सही है कि संदेशकारी को जिस तरह से स्थानीय प्रशासन ने हैंडल किया था वो मिस हैंडलिंग हुआ है, जिसके कारण आज से बंगाल भी एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बनने जा रहा है। ये एक्चुअली करना चाहिए था, वहाँ का जो स्थानीय पुलिस ऑफिसर है और जो डीजीपी खुद जब सफर किया था उन्होंने भी माना कि कुछ लापरवाही हुआ, ये हुआ है, इसके कारण तो कोर्ट इसको सीबीआई के हाथ में सौंपा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी जो महिला मुख्यमंत्री है और साथ साथ उसके साथ बहुत ज्यादातर से महिला समर्थक है, बीजेपी एक राजनीतिक मुद्दा का तलाश में थे। अगर इसको सही तरह से हैंडल किया जाता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, लेकिन आज ये हाथ से निकल चुके हैं। निश्चित तौर पे इसके लिए सिर्फ बंगाल ने, आप देखिए अपोजिशन नहीं, तृणमूल का अंदर से भी आवाज उठी है कि संदेश खाली में जो हुआ वो सही, यानी आप मानते हैं कि इसको मिसहैंडल किया गया, देर से इस पर एक्शन लिया गया और बीजेपी ने इस विषय को जिस तरह से उठाया है उस पर उसकी वजह से सरकार थोड़ा दबाव में। संजय सरकार जी, ये जो आप बात सुन रहे हैं इस पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। मिसहैंडलिंग, देर से कार्रवाई, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि क्या इतना मुश्किल था शाजा शेख पर हाथ डालना, पुलिस तक, पुलिस का उस तक पहुंचना और अब उसको डिफेंड करने के लिए भी कई लेवल पे काम किए गए सरकार जी। मैंने कभी इसी मामला में अगर कोई दोषी साबित होता है तो हम कभी भी उसको मतलब ये सेफ गार्ड नहीं देता और नहीं देंगे सेफ गार्ड। और सबसे बड़ा बात क्या, जब शाहजहां शेख को खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट में एफआईआर किया था तो उसको ईडी ने जाकर उसको स्टे कर दिया था, ठीक है? तो 55 दिन बाद जब मतलब जो सुपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला कोई भी अरेस्ट कर सकता है। सरकार साहब ठीक है, आप ये बात कई बार कह चुके हैं, इस वक्त कुछ अहम तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। नहीं, बड़ी अहम तस्वीरें हैं भाई, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर, और वो बड़ी अहम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में विकास का जिक्र जब होता है तो कई तरह के सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज पश्चिम बंगाल को और कहा जा सकता है देश को पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का तोहफा मिल रहा है और उसको हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भी हमने देखी।